हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन कुमार नागर और आप देख रहे हैं अपना कल्चर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि केवीके होते क्या है। फ्रेंड्स, केवीके आर द सेंटर्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्रिएटेड बाय ICAR। केवीके आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ NARS, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, एंड सर्व एज द लिंक बिटवीन NARS एंड द फार्मर्स कम्युनिटी। केवीके सेंटर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्म सपोर्ट। फ्रेंड्स, जानते हैं केवीके की उत्पत्ति, इसकी हिस्ट्री और मतलब केवीके का कॉन्सेप्ट कैसे आया। फ्रेंड्स, एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने रिकमेंड किया कि क्यों न अपन रूरल एरिया से जो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो प्री एंड पोस्ट मैट्रिकुलेट होते हैं, उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड्स के बारे में। इसके बाद 1966 से 72 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग कमीशन और ICAR ने इस पर और मंथन किया और एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया। फ्रेंड्स, 1973 में ICAR स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके हेड थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ऑफ सेवा मंदिर उदयपुर राजस्थान। इस कमेटी ने जो कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर केवीके का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, इसको एक नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में माना कि कैसे इस कॉन्सेप्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सकता है और सोशल इकोनॉमिक लाइफ में, फार्मर्स कम्युनिटी की सोशल इकोनॉमिक लाइफ में कैसे सुधार किया जा सकता है। और इस कमेटी ने 1974 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और फ्रेंड्स, सबसे पहला केवीके पौंडीचेरी जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास था, जो कि एक पायलट बेसिस के पर खोला गया केवीके था। पायलट बेसिस का मतलब होता है कि एक ये ट्रायल बेसिस की इसको लार्ज स्केल पे कैसे उतारा जाए केवीके के कॉन्सेप्ट को। देश के अंदर जितने भी केवीके संचालित हो रहे हैं, उन सभी का हेड जो होते हैं वो हैं DDG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कि ICAR के अंदर बैठते हैं। और दोस्तों, जो केवीके की फंडिंग होती है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन केवीके जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो जो होता है, जिनके अंडर केवीके कार्य करते हैं, मतलब जिनको केवीके सेंक्शन किए हुए हैं, जैसे कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या NGO या ICAR इंस्टीट्यूट्स, जिनके अंडर केवीके सेंक्शन किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्हीं की होती है। अभी इंडिया के अंदर जितने भी केवीके संचालित हो रहे हैं उनकी संख्या हैं 38 केवीकेस अंडर स्टेट गवर्नमेंट, 66 केवीकेस ICAR इंस्टीट्यूट, 103 अंडर NGOs, 506 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 3 केवीकेस आर अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़,
3 केवी केस अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 7 केवी केस अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड 5 केवी केस आर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य कर रहे हैं। अभी इंडिया में 8% 732 732 केवी केस हैं और इनकी संख्या बदलती रहती है। मैं जैसे कि जैसे समय निकलेगा और भी केवी के खुलेंगे तो इनकी संख्या चेंज होती रहती है। दोस्तों, इन केवी केस को ICAR ने जोन में डिवाइड कर रखा है। इन जोन्स को अटारी जोन कहा जाता है। अटारी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन अटारी जोन्स के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेट्स आते हैं और उस जोन के अंदर कितने केवी के आते हैं अपन इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो ICAR पहला अटारी जोन है वो है लुधियाना, इसके अंदर 72 केवी केस आते हैं। दूसरा जोन है जोधपुर, जिसमें 66 केवी केस आते हैं। और जो थर्ड जोन है, जिसको सबसे बड़ा जोन भी बोल सकते हैं अपन, इसके अंदर आता तो एक ही स्टेट है उत्तर प्रदेश, और इसका मुख्यालय है कानपुर, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केवी केस थर्ड नंबर के जोन के अंदर ही आते हैं, जो कि हैं 89 केवी केस। फोर्थ नंबर का जोन है पटना, जिसका मुख्यालय है, उसमें 68 केवी केस आते हैं। फिफ्थ जोन कोलकाता, जिसमें 59 केवी केस आते हैं। सिक्स्थ नंबर का जोन है गुवाहाटी, जिसमें 47 केवी केस आते हैं। सेवन नंबर का जो जोन है वो है बारापानी मेघालय, जिसमें 43 केवी के आते हैं। एट्थ नंबर का जोन पुणे महाराष्ट्र, जिसमें 81 केवी केस आते हैं। नाइन्थ नंबर का जोन जबलपुर, जिसमें 82 केवी केस आते हैं। टेंथ नंबर का जोन हैदराबाद, जिसमें 76, और जो इलेवंथ नंबर का जो जोन है अटारी जोन, उसका मुख्यालय है बेंगलोर, और इसमें 48 केवी केस आते हैं। दोस्तों, इस तरह इंडिया के अंदर 8% 732 केवी केस संचालित हो रहे हैं, फंक्शनिंग हैं। फ्रेंड्स, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमंग द केवी केस, ICAR टोटल 25 लाख रुपीस के प्राइज मनी के 3 नेशनल पुरस्कार इन केवी केस को प्रदान करती है, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी जो टोटल राशि होती है वो 25 लाख रुपए, और जो फर्स्ट नेशनल अवार्ड होता है वो है 10 लाख रुपए का, सेकंड 8 लाख रुपए का, और जो थर्ड होता है वो 7 लाख रुपए का। इस तरह ICAR इन केवी के अंदर कंपटीशन करवाने के लिए, हेल्दी कंपटीशन करने के लिए, रखने के लिए ये अवार्ड प्रदान करती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवी के महेंद्रगढ़ 2022 में बेस्ट केवी के चूज किया गया है, रूरल एरियाज़ के अंदर अच्छा काम करने के लिए, अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ आर्या एंड टू अट्रैक्ट रूरल यूथ।